मी ब्लॉग भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे ब्लॉग के अंदर। थोड़ा उठ चुके हैं और पेस्ट कर चुके हैं और खाए पिए कुछ नहीं, क्योंकि भाई मेरे को टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो टेस्ट करो, खाली पेट टेस्ट करवाना है, फिर नाश्ता करने के बाद टेस्ट करवाना है। तो मैंने भैया को उठाने आया, भैया को छोड़ने आ रहा हूँ फिर मैं, है ठीक है, खड़े हो जाओ। नन्नू भैया को उठाने आया, खड़े हो जाओ, खड़े हो गुब्बू। अच्छा भैया को स्कूल छोड़ने, फिर जाएंगे नन्नू भैया को छोड़ने, बाइक उठाते और चलते भैया को छोड़ने। अब चलते बाइक लेने, वो देखो सामने गाड़ी साफ करे भैया। चलो पता कितना बड़ा मेला लग रहा है भाई, मैं जहाँ से आता भैया को छोड़ के, देखा तुमने? आज नहीं चलेंगे भाई, कल चलेंगे। आज सुबह तो मना कर रहे हैं, तो भैया कह रहे मैं तो बड़ा होकर मन नहीं करता। नन्नू भैया और मैं मम्मी हैं, चलो कल चलेंगे फिर शाम को, टाइम से निकलेंगे हैं, ठीक है ना भाई। आगे आ चुके हैं टेस्ट, अब जाएंगे पेट खाना भुनो नाश्ता वास्ता करके, फिर आइए टेस्ट करने के लिए, फिर कराएंगे टेस्ट अपना दूसरा ब्लड का टेस्ट। यानी क्या दिक्कत है यार, जाएंगे सारे लोग बोन टेस्ट भाई, नाश्ता कर रहे हैं अभी, सैंडविच चटनी और दूध, इसके साथ देंगे अपनी कैल्शियम की गोली जो मैं कल लाया था, दिखाता हूँ। घर आए कैल्शियम की गोली भाई, दिखाएंगे कैल्शियम, पहले नाश्ता कर रहे हैं, सैंडविच इसको दूध के साथ खाएँगे, गोली को नाश्ता करके फिर खाते अपनी कैल्शियम की गोली, फिर जाएंगे 9:30 बजे टेस्ट करवाने के दूसरा अपना टेस्ट, फिर शाम को मिलेगी रिपोर्ट, देखते भाई क्या होता है। गोली एक कल खाई थी रात को, फिर एक अभी अभी खाई है अभी गोली, अब पीते दूध, दूध के साथ खाते हैं इसको। तो आ चुके हैं दूसरा भी टेस्ट करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है टेस्ट करेंगे, कह रहा है थोड़ी हड्डी बढ़ सकती है, एक नई वो चली है हड्डी के अंदर बीमारियाँ, तो वो चेक करेंगे, शाम को रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, क्या नहीं तो फिर एक्सरा करवाना पड़ेगा भाई। तो चलो कोई बात नहीं, शाम को कॉल करके जाएंगे अपनी रिपोर्ट लेने, देखते क्या निकलता भाई। तो अभी वाइफ गर्म पानी कर रही है, पैर डालेंगे नमक डाल के, पैर डाल के आराम से बैठेंगे भाई 15-20 मिनट, देखते हैं चलते हैं पानी में पैर डालेंगे, नहाएंगे नहा धोकर अपना, फिर 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे भाई, छुट्टी वाले दिन एक ही दिन मिलता ढंग से सोने को, फ्री टेंशन, 1-2 घंटे सोएंगे, फिर भैया को चलेंगे नन्नू भैया को लेने के लिए स्कूल में। भाई मौसम देखो भाई कैसा हो रहा है, बारिश वाला मौसम, हमारा झंडा कैसे रह रहा है भाई, देखो देश का झंडा ऐसे रहता रहेगा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है झंडा, ये देखो मौसम। अरे भाई ये खिड़की में देखे आवाज़, बारिश आ रही है तो आवाज़ आ रही है, मैं बाहर देखा तो खिड़की से आवाज़ थी फट बहुत लगी है, नहीं कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए पसीने दिख रहे हैं आपको, एक्सरसाइज करते हैं, एक दो सेट और मारेंगे डिप्स के, फिर बंद करेंगे, फिर पसीने सुबह के सीधा नहाने, फिर सोएंगे 1-2 घंटे के लिए भाई। भाई बना लिया अब खाना, हो चुका लंच का टाइम, 1:30 बज चुका है, और नन्नू भैया को लेने आऊँगा मैं, तो नन्नू भैया कहते पाओ छुट्टी वाले दिन आप ही आओगे, क्योंकि भाई मेरी ज़्यादातर मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, तो शाम को आता हूँ, ना सुबह छोड़ पाता हूँ ना दिन में लेकर आ पाता हूँ, तो नन्नू भैया को लेकर आऊँगा, सॉरी लेकर आऊँगा मैं, वो खुश होएगा देखते, मैं छुपक जाता हूँ किसी गाड़ी वाड़ी के पीछे, तो मैं छुपक जाता हूँ, दिखाऊँगा मैं आपको। चलो भाई वाइफ खाना बना रही है भुजिया, देखते काय की भैया, ग्रेवी वाली मत बनाना भाई, सूखी सूखी बनाना, देखो भाई खाएंगे भुजिया। पूछते हैं कौन जाएगा, तुम यार मैं लेने आऊँ बताएगा भैया, अभी देख रोनी भैया को लेने आओगे ये मैं जाऊँ है क्या जी, मैं लेकर आऊँ 2 बजे, कितने बजे आना है यहाँ से, 2:05 पे मैंने बोला पापा को लेकर आना, आपकी छुट्टी है, वो देखते खुश हो जाएगा आपको। चलो भाई चलते हैं नन्नू भैया को लेकर आएंगे, वाइफ से पूछा, वाइफ ने बोला 2:55 में निकल जाना, 1:55 में निकल जाना, 2 बजे कार्ड जमा हो जाते, 5:05-10 मिनट तक घर पे आ जाओगे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो कार्ड जमा करवाना पड़ेगा, वहाँ वेट करना पड़ेगा नन्नू भैया को भाई। चलो नन्नू भैया को लेकर चलते हैं, कार्ड लेते हैं भाई इसका स्कूल का, भाई नन्नू भैया स्कूल का कार्ड ले लिया है, अगर नन्नू को बाहर एंट्री नहीं होने देंगे भाई, ये स्कूल का बहुत अच्छा रूल है, और पेरेंट्स से लेने आएगा, बच्चा पहचानेगा हाँ भैया ही मम्मी पापा भाई है, तो ये भी छोड़ेंगे स्कूल वाले, भाई देखिए नहीं कई होता है, कई बार किसी कार्ड गिर जाता है, कोई दूसरा उठा लेता है, तो लेकर चलाते लो जी मेरा बच्चा है, ऐसे हर स्कूल के अंदर होना चाहिए, हर स्कूल के दिल्ली का वर्ल्ड में हर स्कूल के अंदर होना चाहिए भाई, कि भाई बिना कार्ड के, कार्ड को कोई मायने नहीं है, कार्ड पहले जाओ, अब बच्चा कहता है हाँ पापा है मम्मी है भाई है कोई भी आया हो, तो उन्हीं के साथ भेजना स्कूल वालों, प्रिंसिपल को लागू करना चाहिए भाई ये चीज़, बहुत बढ़िया रूल है ये, हर स्कूल में होना चाहिए और है स्कूल के अंदर। चलो भाई नन्नू भैया को लेकर से दिखा दी
नन्नू भैया को लेने चलते हैं स्कूल, और रास्ते में से मेरे को लेना चावल। नन्नू भैया को लेकर छोड़ दूंगा गेट पर ही, वो आ जाएगा अंदर, मैं जाऊँगा फिर सामान लेने के लिए। कुछ अंदर बाहर चलते हैं सामान लेने, और नन्नू भैया को लेने चलते हैं भाई। लो भाई कुंडी लगा लो, देखता हूँ। चलो भाई चलते हैं नन्नू भैया को लेने स्कूटी लेकर। भैया स्कूटी उठाते हैं, चलते हैं। देखो पूरी सोसाइटी खाली पड़ी है भाई। चलो उठाते हैं स्कूटी। ब्रेड और भुजिया खा रहे हैं, ब्रेड और भुजिया भाई, मज़ा आ रहा खाने में। रोटी को आज अवॉइड करेंगे, और रोटी नहीं खाएंगे, साथ में रख रखा पानी का गिलास। देखो खा रहे ब्रेड भुजिया के साथ, रोटी नहीं खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, मज़ा आ रहा भाई खाने में। सो के उठ चुके हैं, 1.5 घंटा रेट पे भाई, थकावट होती है। सुबह 5:30 बजे का जगह पड़े हैं, तो आ चुके हैं रील बनाने के लिए। अब बनाते हैं 2-3 रील आपके लिए, कॉमेडी जैसी मिलेगी उस हिसाब से रील बनाते हैं आपको एंजॉय करने के लिए। और आप जरूर देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई लोग। मिलते हैं थोड़ी देर में रील बनाने के बाद। बड़े भैया के जिम, और नन्नू भैया ट्यूशन, और वाइफ सॉरी है भाई, वो भी सुबह के मेरे साथ उठी पड़ी, तो सोन दो भाई उसको, सोन दो। बहुत काम करती औरतें यार, हमें लगता है कि नहीं करती भाई औरतें को, मम्मी सिस्टर वाइफ जो भी है, बहुत काम करते हैं। हमें लगता है नहीं करते, घर का बहुत काम होता है भाई, बहुत काम, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो प्लीज़ जितना रेस्ट दे सको दीजिए। चलो ठीक है बनाते रील। बना चुके हैं मस्त वाली, और नन्नू भैया भी आ गए ट्यूशन से, देखो आते ही फ़ोन में, क्यों नन्नू भैया। चलो भाई बैठते आराम से, वीडियो बना चुके भैया आने वाले ट्यूशन जिम से। आशु भैया पूछते क्या खाएंगे, खाना बनाते हैं। दिन में तो भुजिया बनाई थी, मैंने बोल दिया भाई कुछ बनाओ ना, भुजिया मेरे लिए जरूर छोड़ देना, घी की भुजिया मेरे बहुत पसंद है भाई, इतनी टेस्टी बनी है, बट मस्त वाली है। चलो बैठते भाई, थोड़े दिन का टाइम है, 2-3 घंटे हो रहे हैं, उसके बाद सोएंगे, और सुबह कल से ऑफिस, ठीक है। चलो नहा धो के रेडी भी हो चुके, बस शेविंग करनी है, वो करूँगा मैं 8 बजे करीब भाई, शेविंग हो चुकी है, करेंगे जरूर बाद में। फिर चाय आराम से बैठ के, लोग भी अभी आ रहे हैं धनिया लेने गए, बाहर आए धनिया सब्जी वाला, तो धनिया लेने गया चाय पीते चाय अपनी पापा के साथ। चलो अब पीते हैं चाय। हेलो बैठे हुए आराम से घर के अंदर, नन्नू भैया भी आपसे बात के टीवी देख रहे हैं भैया, और मैंगो शेक के लिए बाट के लिए रखा मैंगो शेक, अब आएंगे निकालेंगे और पियेंगे आराम से बैठ के। तो मैंगो वनीला शेक पियेंगे, ये है वाइफ का और मेरा। आ जाओ भाई पी लो थोड़ा, उसको वनीला आइसक्रीम है, इसको मिला के फिर पीते भाई। चलो भाई लोग ब्लॉग को एंड करते हैं, अब आ रही है नींद भाई, और रेडी में भी दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। टैबलेट खा चुके हैं कैल्शियम की, विटामिन की, दूध के साथ लगाते अपना बिस्तरा यहाँ पर पूरे में लिया भाई, एक एक कंबल, क्योंकि भाई गर्मी में कंबल इसलिए भाई, रात को भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। सब अपना एक एक कंबल, नन्नू भैया और मैं साथ में, वाइफ अपने अलग लेते कंबल, और आशु भैया लेते अपना अलग से। तो चलते हैं ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह। और हाँ डॉक्टर ने बताया आपकी रिपोर्ट बढ़िया, शुगर वगैरह कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, भगवान की दुआ से ठीक है सब कुछ। तो चलते हैं ब्लॉग को एंड करते हैं इसी खुशी के बारे में, तो मिलेंगे कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे प्यार देते रहो भाई।